हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी श्रेया रावत और मैं बीटेक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम पंतगढ़ यूनिवर्सिटी। सो दिस व्लॉग इज एक्चुअली पार्ट टू ऑफ द धरोहर इवेंट जो कि कुछ ही टाइम पहले हेल्ड हुआ था हमारी पंतगढ़ यूनिवर्सिटी में। एंड पार्ट वन में मैंने आपको दिखाया था अबाउट द रैम फॉक शो, द डांस शो एंड द सिंगिंग शो, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हुए थे। लाइक जितना एक्सपेक्ट नहीं था डांस शो से, उसे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे लेवल पर उन्होंने करा था। सो इट वॉज़ रियली गुड। ये सेकेंड पार्ट होने वाला है उसका, उसमें आपको दिखाने वाली हूँ अबाउट द बैंड शो, जिसके बारे में मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी काफ़ी मैंशन करा था। एंड इस क्योंकि वो ब्लॉग थोड़ा सा मेरा बड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पार्ट वन एंड पार्ट टू करके से स्प्लिट करूंगी। एंड इस पार्ट में आपको एक्चुअली वो पता चलेगा कि क्या हम बैंड शो देखने जा भी पाए थे कि नहीं, क्योंकि पर्टिकुलरली बताऊँ तो मैं एंड मेरी जो लाइक फ्रेंड्स थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी इसके लिए उस टाइम पर, जो कि लाइक अब तो मुझे पता है कि उस टाइम पर हुआ गया था, लेकिन मैं वो बता के आपको मतलब ख़राब नहीं करना चाहूँगी। सो डू वॉच द होल ब्लॉग टिल द एंड। एंड सो गाइज, आई एम ऑल सेट टू गो टू द नाही बैंड वॉर शो जो कि अभी 5:30 बजे से चालू होने वाला है। अभी हमें आएगी बस लेने के लिए, क्योंकि ना एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन यहाँ पर कहीं कोई बहाना चला जाए, इसलिए हम बस से ही जाएंगे, बस से ही आएंगे। और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए, क्योंकि एक्चुअली मैंने सुबह के टाइम पर सूट पहन रखा था, लेकिन दिन के टाइम पर मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी दैट आई वॉज नॉट एट ऑल फीलिंग कम्फर्टेबल। तो मैंने सोचा लेट्स चेंज एंड मैंने सिंपल सा क्रॉप टॉप एंड जीन्स पहन लिए। सो अब चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि नाही पे बैंड वॉर शो कैसा होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पे सारी सुंदरिया अभी फोटो सेशन करवा रही है। अरे न्या, आज इसके कितनी अलग लग रही थी, कितनी सुंदर लग रही महिमा। हाय अक्षिता, एक दोस्त दूसरी दोस्त की तारीफ करते हुए और आके कर रही है ये दोनों की कैमरा मैन। हाँ, और यहाँ खींच रही है दोनों की फोटोज। अब देखो मैं भी ब्लॉग बेस्ट फ्रेंड्स छोड़ दो, चिपक गए होके फेवी कॉल से। सबके सब बाहर पे खड़े हुए बस के इंतजार में, लेकिन बस के आने का नाम नहीं ले रही। गाइस, हेलो गाइस। तो अब हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम व्लॗग बना रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम क्यों बना रहे हैं, पहले बोला गया 5:30 बजे बस आ जाएगी और यहाँ पे 6:30 बजने वाले हैं और बस नहीं आई है, और मेरा दिमाग देखना कहाँ है यार। फिर भी देख ले, अगर हम पहुँच गए तो हम आपको जरूर दिखाएंगे मैंचो कैसे होने वाले। हम लोग फिर से बस के इंतजार में यहाँ पे रहते हुए, मुझे तो अपनी सारी एनर्जी यहीं पे खत्म होने वाली जो हमने बैंड शो पे बचा के रखी थी। हाँ भाई, क्या करिकुलम में तो क्या बताओ, उसमें 5:30 बजे के बोल कर 6:35 बताया था, हम ऐसे दिन से खड़े हैं और अब देखो अंधेरा भी हो चुका है। अभी तक लोगों की बस नहीं आई है, लोगों को जाने को नहीं मिला अभी तक। वही तो, एक ही बस आई है वो भी छोटी, और एक ही सारी सब लड़कियां उसी में भर भर के ले जा रही है। तो मतलब वहाँ पे लड़की ऐसे भर भर के बैठी हुई है, खिड़कियों से बाहर उनकी मुंडी दिख रही है भाई। तो ज्यादा वही तो सबको इतना गुस्सा आ रहा ना, क्योंकि रात हो चुकी है, 2 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए, कोई मतलब फैसिलिटी कुछ भी नहीं आया क्या है। और हमें पैदल भी नहीं जाने दे रहे, ना ही बस यहाँ पे इतना पास है, क्या है बड़ी मार्केट से भी पास। अच्छा, बड़ी मार्केट से थोड़ा दूर है, लेकिन अच्छा कॉलेज के लिए भेज दिया करो ना, जो बच्चे चलते हैं भाई। तो तब तो बस आएगी नहीं इन लोगों की, डालना मत ही डालना थोड़ा। अब तो भाई हो गया, अब तो रिकॉर्ड, अब तो रिकॉर्ड हो जाएगा। दीप्ति की असली नहीं करी, तो असली बोल रही है, सच बोल रही है, तो कोई बात नहीं, ये रियल फीलिंग है इसके व्लॉग के माध्यम से। हम ये हाँ, हम सच में जाएंगे, हम झूठ नहीं, हम रूमर्स नहीं बताते, हम सच्ची बातें बताते हैं। हाँ भाई, भीड़ दिखा दो, ये देखो इतनी सारी लड़कियां खड़ी हैं यहाँ पे, गाइस तब से सब कितने दुखी हो रखे हैं। देखो तब से, पहले कितनी खुश थी अनन्या, ने चेहरा करा था उसका चेहरा, लेकिन अब देखो उसके बाल भी मुरझा चुके हैं, उसकी शक्ल भी मुरझा चुकी है। बताओ यार, हदे पहले नहीं जाने दो, मेरी टांग टूट चुकी है यहाँ पे खड़े खड़े। अब तो वी वांट जस्टिस या मैं तो बोली कल कॉलेज ही जाते हैं इसी के प्रोटेस्ट पे। देखिए ये सारे दुखी चेहरे जिनका बहुत मन था डीजे नाइट पे जाने का, अब हंस क्यों रही है। अच्छा देखिए सारे मासूम से चेहरे जिन्हें जाना था बैंड शो देखने के लिए, लेकिन जिंदगी में पहली बार तो मैं नाहे पे जाने का। अब पता लोग लाइव आ रहे हो, पता मुझे हमारे आवाज़ आ रही है चिल्लाने के शोर के, और हम फिर भी नहीं जा पाए। इट्स नॉट फेयर एट ऑल, हम सबसे खड़े थे, हम 2 घंटे खड़े थे मच्छरों के बीच में, हम पागल लेंगे यार। भाई तो यहाँ भाई एक ही वजह उसमें 50,000 लड़कियाँ भर के जा रहे हैं, और अब हमें बोल रहे कि वापस जाओ, ना खाना मिल रहा है ना सारा, तो भाई वो भी 5:30 बजे के बाद मिलेगा। और ऐसी चीज़ों में तो अपनी वो कर रखी है, ऐसा थोड़ी होता है
मैं जब जा रही सोने तो गुड नाइट, गुड नाइट गाइस। ये है स्कूबी और ये है स्कूबी की मम्मी। छोटी है, काट दे स्कूबी से, काट दे, सबको भेज देना वापस। अच्छा हुआ कोई नहीं जाएगा, हम नहीं जा पा रहे तो कोई नहीं जाएगा। ठीक, सबसे मस्त जिंदगी पता स्कूबी की, स्कूबी तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है आराम से लोगों को काटने में। इसको भाई और मैं बोल नहीं सकती वो वर्ड ब्लॉक में, काट दो भाई सबको, सबको काटता है स्कूबी को, बदनाम मत कर ना पीटूंगी ना स्कूबी की छोटी बहन। कमेंट में आएंगे छोटी बहन स्कूबी, दो महीने का तू एक महीने की। स्कूबी लड़की है क्या? स्कूबी लड़की है, कमर देखे ऐसे। मुझे आता है स्कूबी लड़की, मुझे स्कूबी लड़का है। चल हम वहाँ पे बैठ छोटे देख बार, तू हमें करके दिखाएगा यहाँ पे हमारा शो। छोटे छोटे बच्चे होंगे, कितना मजा आएगा। मैं तो स्कूबी का पति ढूंढ चल, स्कूबी के लिए हम स्कूबी को ढूंढ लेंगे, मजा आएगा स्कूबी की। हाँ इसको दुल्हन की तरह सजाएगी उस दिन, स्कूबी के लिए शॉपिंग करेंगे उसकी शादी की। लहंगे मेकअप पर सजाएगी स्कूबी का। स्कूबी का जो पति होता है ना उसके जूते छुपाते, उसका कॉलर छुपा। And I'm really really disappointed with Spikmaker right now. The expectations थी कि हम लोग जाएंगे enjoy करेंगे band show, लेकिन nothing happened. और इतना ज़्यादा हम थक चुके हैं, इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, अभी तो ज़्यादा देर तक वहाँ पर खड़े रहे कि लाइक या तो पैदल जाना दो, ना पैदल जाने दे रहे ना बस आ रही है, लाइक क्या बात हुई आ रही है। छोड़ो अब तो सबका मूड ऑफ ही हो चुका है, वैसे सबके साथ वो वापस आ चुके हॉस्टल में। अभी लाइक हमें एंड तक थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद से बस आ जाए, हम चले जाएँ, हम जरा छोड़ो अब। तो अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। एंड अच्छा हाँ, इससे पहले आई एम रियली रियली सॉरी फॉर ऑल यू गाइस, क्योंकि मैंने सबको बोला कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जाऊँगी तो आई एल कवर अप एवरीथिंग, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई बिकॉज लाइक हमें जाने को नहीं मिला, तो मैं कैसे कवर अप कर पाती हूँ। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। व्लॉग एंड अगर आपको इसे देखने में मज़ा आया सो डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अब मैं जाने वाली सोने क्योंकि मेरा हो रहा है बहुत सर दर्द। ओके बाय गाइज।